यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरक्षण योग्यता रखने वाले खिलाड़ियों के लिए आरक्षण के मानकों के अनुसार सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हिसाब से लागू होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत यदि किसी कोटे में निर्धारित योग्यता वाला खिलाड़ी नहीं मिलता तो उसे अन्य खिलाड़ी से भरकर 10% खिलाड़ी कोटा सुनिश्चित कराया जाएगा। तो यहां पर ग्रुप डी में नौकरियों में 10% आरक्षण और मनोहर सरकार का खिलाड़ियों के लिए मनोहर तोहफा। तो 2019 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले कर्मचारियों को तोहफा मिला है, अब खिलाड़ियों को तोहफा मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा मिला है मनोहर सरकार की ओर से। देखिए बिल्कुल, 10% का आरक्षण दिया गया है और 10% के आरक्षण से जो खिलाड़ी अभी तक वंचित रह गए हैं उनको अब नौकरी का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों कोटे से काफी नौकरियां अभी पेंडिंग पड़ी हैं। सरकार ने अगर देखा जाए तो बीते 3.5 सालों में लगभग बहुत कम नौकरी दी थी, लेकिन अब जब ये 10% का कोटा डिसाइड कर दिया गया है तो अब खिलाड़ियों के लिए खुश खबरी है कि वो जल्द ही जो है सरकारी नौकरी के पात्र होंगे, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी इंतजार में हैं कि सरकार कैसे उनके लिए राह आसान करे। सरकार उनके लिए राह आसान करती है और वो इसके लिए पात्र होंगे। कुमार रमेश, कई बार खबरें आती हैं कि कई खिलाड़ी होते हैं कई पदक जीत करके घर पर बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये खुशी की बात होगी, जाहिर सी बात है। देखिए, स्पोर्ट्स कोटे का एक नियमावली है, नियमावली के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको सरकार नौकरी देती है, उसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। और अब जब 10% का आरक्षण हो गया है तो उनके लिए अब वो नियम आसान है कि वो अपने इस कोटे में किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और सरकार उनको उनको उचित स्थान यानी उनको उचित नौकरी देगी। कुमार रमेश, आखिरी सवाल, कल दिव्यांगों के लिए भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है, आज खिलाड़ियों को तोहफा मिला है, तो क्या 2019 के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षित करने का एक एजेंडा है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, सरकार अपनी रणनीति तैयार करती है ताकि वो अगले आने वाले 5 सालों में फिर दोबारा राज करें, और क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं इसलिए खिलाड़ी कहीं विरोध ना करें, हो सकता है ये उसके नजरिए से भी देखा गया हो। लेकिन सरकार की पॉलिसी थी स्पोर्ट्स नीति के, उसके तहत हरियाणा के जो भी खिलाड़ी है उनको सरकार अपने यहाँ सरकारी नौकरी देगी, और शायद ये इसीलिए है। हाँ, इसका फायदा है चुनाव में होगा, लेकिन वो चुनाव में कितना होगा ये जब चुनाव आएंगे तब तय होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो खिलाड़ियों को तोहफा मिला है, 10% का आरक्षण मिला है, अब जितने भी खिलाड़ी हैं जो शिकायत करते थे कहीं ना कहीं सरकार से कि इतने पदक जीत कर लाए हैं फिर भी वो घर पर बैठे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, 10% का आरक्षण उन्हें मिल गया है, अब आसानी से वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एजेंडा भी हो सकता है बीजेपी सरकार का कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो प्रभावित ना हो।